डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा की ओर से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत कराई जा रही बीए बीएससी और बीकॉम प्रथम व तृतीय सेमेस्टर और एमए एमएससी एमकॉम की प्रथम व सप्तम सेमेस्टर की 6 से 13 मई तक की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया था, जिसका कारण विश्वविद्यालय ने नगर निगम चुनाव को बताया। चुनावों के बाद विश्वविद्यालय ने शनिवार को संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया है, जिसको छात्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। एनईपी के तहत होने वाली परीक्षा 226 केंद्रों पर कराई जा रही है, जिसमें 15 मई से एक बार फिर से विश्वविद्यालय परीक्षा शुरू कराने जा रहा है। ये परीक्षा 10 तारीख तक चलेगी। जो भी छात्र संशोधित कार्यक्रम प्राप्त करना चाहता है, वे विश्वविद्यालय की वेबसाइट dbre.ac.in पर जाकर डाउनलोड कर सकता है। और एक बड़ा सवाल लगातार छात्र पूछ रहे हैं कि परीक्षा कार्यक्रम में जो सप्तम लिखकर आ रहा है वो आखिर क्या है, सातवां जो सेमेस्टर है क्या वो होगा। तो मैं आपको बता दूं, कन्फ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो सप्तम है यानी कि वही प्रथम सेमेस्टर हम उसको कह सकते हैं, क्योंकि जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन कर लिया है, ग्रेजुएशन में 6 सेमेस्टर होते हैं और सप्तम सेमेस्टर पोस्ट ग्रेजुएशन से शुरू होता है, तो जिसके चलते एनईपी के तहत यू संशोधन कार्यक्रम जारी किया गया है। तो कन्फ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जो है फर्स्ट सेमेस्टर ही उसको माने। सुनिए हमारे विशेष संवाददाता हैदर अली की रिपोर्ट। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी के तहत परीक्षाएं 1 मई से शुरू कराई गई थी, जिसके बाद नगर निकाय चुनाव आ गए और उनके चलते जो है परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया। मैं आपको बता दूं, 6 से लेकर 13 मई तक जो परीक्षा होनी थी उनको स्थगित कर दिया। लगातार छात्रों की कमेंट आ रही थी मेरे पास कि आखिर अब जो है विश्वविद्यालय कब ये परीक्षा करा पाएगा। तो मैं आपको बता दूं, विश्वविद्यालय परीक्षा है 15 तारीख से कराने जा रहा है। विश्वविद्यालय का कहना है कि तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जो परीक्षाएं हो गई हैं उसके अलावा जो परीक्षा होनी है 15 तारीख से विश्वविद्यालय कराने जा रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा से जुड़ी हर एक खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लाइव एक्सेस 24 को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ विश्वविद्यालय से जुड़ी हर एक खबर को जानने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। लाइव एक्सेस के लिए हैदर अली की रिपोर्ट आगरा।